ये तीन लड़कियां इन लड़कों को जंगल में लाती है। तभी उनमें से एक लड़की लड़के को सेब खाने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ रखे सभी फल उस लड़के को कीड़ों की तरह दिखने लगते हैं। वो लड़का फिर उस सेब को खाने का नाटक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसे महसूस होता है कि वहाँ बैठी लड़कियां सभी चुड़ैले हैं और ये उनका मायाजाल है। फिर वो लड़का कुछ न समझने की एक्टिंग करता है। वो अपने दोस्तों को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। फिर वो लड़का उन दोनों को जोर से थप्पड़ मारता है और जैसे ही वो उनको सच बताता है, तभी वो चुड़ैले वहाँ आ जाती है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। वो चुड़ैली भी उनका पीछा करने लगती है, पर वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।